हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें मैंने आपको कोलाइडी सॉल्यूशन बताया था। अब कुछ कोलाइडी सॉल्यूशन के मैं आपके पास आपके लिए कुछ एग्जांपल लेकर आया हूँ। तो आपके पास जो आज का टॉपिक है हमारा बेटा, वो क्या है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अ कोलाइड्स, यानी कि जो कोलाइड्स के कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, क्या वो सॉलिड सॉलिड से मिलकर बनते हैं, सॉलिड गैस से मिलकर बनते हैं, सॉलिड लिक्विड से मिलकर बनते हैं, तो जो सॉलिड सॉलिड से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, गैस सॉलिड से मिलकर बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, लिक्विड सॉलिड से मिलकर बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। तो ये आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यहां देखें प्यारे बच्चों, यहां देखें, अब ये टेबल है आपके पास। इस टेबल में क्या है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अ कोलॉइड्स। कोलॉइड जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको, ठीक है। अब इसमें यहां देखें कि ये रहा, ये क्या है, कौन सी फॉर्म है आपके, डिस्पर्स फेज, और ये कौन सी है, डिस्पर्सिंग मीडियम्स। डिस्पर्स का मतलब कौन सा बेटा, एक तो डिस्पर्स फेज और एक कौन सा, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा है वो आपका कौन सा है, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, और जिसका अमाउंट कम है वो आपकी कौन सी फेज होगी, आपकी डिस्पर्स फेज होगी। कौन सी बेटा, डिस्पर्स फेज। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहला है आपका कौन सा, लिक्विड। कौन सा आपका, लिक्विड है, अगर कोई एक लिक्विड है, और दूसरा आपका कौन सा है, गैस, यानी कि जो डिस्पर्स फेस है वो आपकी कौन सी है, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग फेस आपका कौन सा है, सॉलिड, आपका कौन सा है, सॉरी, जो डिस्पर्स फेस है वो आपका लिक्विड है, और जो डिस्पर्सिंग फेस है वो आपकी क्या है बेटा, गैस। तो इस तरह का जो टाइप का जो कोलाइडी कोलाइड्स जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोसॉल। क्या बोलते हैं उसको, हम एरोसॉल बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एरोसॉल कौन से होते हैं, कोई आपसे पूछे कि एरोसॉल किस टाइप के कोलाइड्स होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक पार्ट तो क्या है आपका, लिक्विड है, और दूसरा पार्ट आपका कौन सा है, गैस। ओके, तो जो वो आपका लिक्विड है वो डिस्पर्स फेज है, और जो आपका जो गैस है वो आपके डिस्पर्सिंग फेज है बेटा। तो इस तरह का जो मिक्सचर है वो मिलकर बनाता है कौन सा, आपका एरोसॉल। क्या बोलते हैं बेटा, एरोसॉल। ये एग्जाम में भी काफी पूछा गया है, जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम होते हैं, कि एरोसॉल कंपोजिशन है, जो एरोसॉल मिक्सचर है वो किस तरह कंपोजिशन है, तो बेटा कंपोजिशन है आपकी किसकी, लिक्विड की, और आपका किसका, गैस का, ठीक है। तो इसमें डिस्पर्स फेज कौन सी आपकी, लिक्विड है, और आपके डिस्पर्सिंग फेज आपका कौन सा है, गैस, और दोनों जो आपस में मिल क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो इस टाइप को हम बोलते हैं एरोसॉल। अभी इसके एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल में कौन है आपका, फॉग। फॉग के बारे में आपने सुना होगा बेटा। उसके बाद क्लाउड, क्लाउड जो है आपके, क्लाउड जो है आपके, और आपका कौन सा, मिस्ट। ये जो आपके जो है फॉग, क्लाउड, मिस्ट, अगर आपसे पूछे जाए कि ये किस तरह के कोलाइड्स हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ये किस तरह के कोलाइड्स हैं, ये आपके हैं एरोसॉल। क्या है बेटा, एरोसॉल। इसको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बेटा, वो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एरोसॉल है वो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आपका फॉग, आपका क्लाउड, और आपका कौन सा, मिस्ट। तो जो आपका एरोसॉल है वो किस टाइप का मिक्सचर हो सकता है, जिसमें डिस्पर्स फेज तो क्या हो आपका, डिस्पर्स फेज आपका कौन सा हो बेटा, लिक्विड हो, और डिस्पर्सिंग फेज कौन सा आपका, आपका गैस हो। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल। और इसके एग्जांपल आपके सामने है, कौन सा आपका, फॉग, आपका क्लाउड्स, और आपका मिस्ट। अब दूसरी वाली बात कर लेते हैं, ये वाला पहला क्लियर हो गया, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। जो सेकंड वाला है बेटा, सेकंड में क्या है, डिस्पर्स फेज आपका कौन सा, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग फेज कौन सा आपका, गैस, यानी कि सॉलिड का जो अमाउंट है वो कम है और गैस का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो सॉलिड अगर गैस के साथ क्या है, मिक्स है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को, कोलाइडी सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। अब एरोसॉल इसमें एग्जाम्पल कौन सा है आपका, स्मोक।
अब स्मोक है आपका ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं इनसे जो धुआं निकलता है, इनसे जो धुआं निकलता है उसमें जो जो कार्बन की जो फॉर्म है वो कोक फॉर्म में क्या आता है, कार्बन बाहर निकलता है और ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, गैस होती है। तो कम अमाउंट में क्या है, सॉलिड है, वो कोक होती है बेटा, कार्बन की जो फॉर्म होती है ब्लैक और गैस निकलती है इसमें से जो व्हीकल्स होते हैं आपके। तो ये इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोसॉल बोलते हैं। और इसमें जो एग्जांपल्स है आपका वो आपका स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जिस्ट। ऑटोमोबाइल का मतलब जो सेल क्या है, व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है वो भी एक एग्जांपल है किसका बेटा, एरोसॉल का। किसका बेटा, एरोसॉल्स। ओके बेटा, तो आपको पता होना चाहिए जो एरोसॉल जो मीडियम होता है उसमें कब कंडीशन होगी, वो कंडीशन कब है बेटा, जब लिक्विड किसके अंदर डिजॉल्व हो, गैस के अंदर। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। या फिर कोई सॉलिड किसके अंदर मिक्स हो, गैस के अंदर मिक्स हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स आपको गिवन है बेटा, इसका आपका कौन सा है, फॉग, आपका क्लाउड और कौन सा, मिस्ट। फॉग, क्लाउड और मिक्स जो होते हैं, क्लाउड आपका बादल जो होते हैं, धुंध जो है आपका, जो फॉग है कोहरा जो होता है, ये एग्जांपल्स हैं किसके बेटा, एरोसॉल के। और नीचे जो आपका सॉलिड को, अगर आप सॉलिड कम अमाउंट में है, लिक्विड गैस ज्यादा अमाउंट में है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। जैसे आपका स्मोक, स्मोक अगर आपसे पूछे कि स्मोक क्या है, एक एग्जांपल है किसका, एरोसॉल का, जो किसकी कंपोजिशन से है, जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस कौन सा है, कोक कार्बन की फॉर्म है, और दूसरा कौन सा उसमें, गैस। तो इस तरह की जो कंपोजिशन होती है बेटा उसको भी क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। ओके, तीसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट। अब है आपका थर्ड वाला, थर्ड की बात करते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज क्या हो बेटा, गैस, और डिस्पर्सिंग फेज कौन सा हो आपका, लिक्विड। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं उस टाइप के मिक्सचर को, उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं फॉर्म बोलते हैं। जैसे आपका सेविंग क्रीम, आपने देखा होगा कि जो जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, जो सेविंग करते हैं किससे, फॉर्म से। फॉर्म का मतलब क्या होता है, कि जो फॉर्म क्रीम लगाते हैं फॉर्म, उसमें झाग होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसमें क्या मिक्स होता है बेटा, गैस और लिक्विड का वो कॉम्बिनेशन होता है, जो सेविंग क्रीम होती है उसमें गैस और लिक्विड मिक्स होते हैं, और उसको क्या है, यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर द क्लीनिंग सेप, सेप बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि गैस और लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन होगा, उस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं, उस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं उनको बोला जाता है बेटा क्या, फॉर्म। और फॉर्म का एग्जांपल कौन सा है आपका, सेविंग क्रीम। और सेविंग जो क्रीम है वो एक एग्जांपल है किसका बेटा, फॉर्म। किसका बेटा, फॉर्म। और जो ऊपर वाले दो है वो किस तरह के कोलाइड सॉल्यूशन के एग्जांपल है, वो है आपके बेटा एरोसॉल। किसके एग्जांपल्स हैं, एरोसॉल। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब है फोर्थ वाला, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड। आप कह रहे हैं कि जो डिस्पर्स फेज है वो भी आपकी लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो भी आपका क्या है बेटा, लिक्विड है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग फेज जब दोनों ही क्या है, लिक्विड हो, तो उस तरह के जो कोलाइडी जो होता है, कोलाइडी जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा, इमल्शंस। क्या बोलते हैं, इमल्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। और इमल्शन में आपका बेस्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, मिल्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मिल्क। कोई आपसे पूछे कि मिल्क एक एग्जाम्पल है, मिल्क एक एग्जाम्पल है किसका, इमल्शन का। क्योंकि अब इमल्शन क्या होता है, ऐसा कोलाइडी सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज कौन सी हो, लिक्विड हो, और आपका डिस्पर्सिंग मीडियम भी क्या हो, लिक्विड हो। तो दोनों जो क्या है, डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्स मीडियम, जब दोनों लिक्विड होते हैं बेटा, वो कौन सा टाइप का मिक्सचर होता है कोलाइड का, वो होता है आपका कौन सा, इमल्शन। और इमल्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, मिल्क। मिल्क एक एग्जाम्पल है किसका, बेस्ट। किसका बेटा, किसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क का, इमल्शन का बेटा एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा, कौन, मिल्क। ओके, उसके बाद फेस क्रीम। जो फेस पे जो क्रीम हम यूज करते हैं, जो मतलब जो लेडीज यूज करती हैं, उसमें भी क्या होता है आपका, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, वो लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा, इमल्शन। वो भी एग्जांपल है किसका, इमल्शन का। तो पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि इमल्शन, इमल्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, मिल्क, और दूसरा कौन सा आपका, फेस क्रीम। जो फेस क्रीम जो चेहरे पर हम क्रीम लगाते हैं बेटा, वो एग्जाम्पल है किसका बेटा, इमल्शन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में कौन सा आपका, सॉलिड लिक्विड। अब एक रहा है कि डिस्पर्स फेज इसमें क्या हो बेटा, सॉलिड, और आपका डिस्पर्सिंग फेज कौन सी हो, लिक्विड। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल।
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉल। अब सॉल किस टाइप का कोलाइड्स कोलाइड्स है, जो सॉल है वो किस तरह का कोलाइड्स है, जिसमें बेटा आपका डिस्पर्स फेज तो हो आपकी क्या बेटा सॉलिड, और डिस्पर्सिंग फेज आपका क्या हो लिक्विड। तो इस तरह के कोलाइड्स को हम बोलते हैं बेटा क्या, सॉल। क्या बोलते हैं, सॉल। अब सॉल के एग्जांपल कौन से हैं, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कौन सा आपका मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो मड कीचड़ जो होती है बेटा, जो कीचड़ होती है उसमें क्या है, जो गारा होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, और उसमें क्या लिक्विड होता है जो पानी होता है, वो एक एग्जांपल है किसका बेटा, सॉल का। किसका, सॉल। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने पढ़ा होगा, ये एंटा एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम यूज भी करते हैं किसी तरह, एज अ एंटा एसिड, यानी कि इस एसिडिटी जो बनती है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक में जो एसिडिटी बन जाती है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक किस तरह का कोलाइड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है किसका बेटा, सॉल। किसके एग्जाम्पल का है बेटा, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉल। सॉल का एग्जाम्पल कौन है आपके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा आपका कौन सा बेटा, मड। क्या बोलते हैं, मड। ओके आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, गैस और सॉलिड, यानी कि जब डिस्पर्स फेस आपकी क्या हो प्यारे बच्चों, गैस हो, और डिस्पर्सिंग फेस आपकी क्या हो, सॉलिड हो। यानी कि डिस्पर्स फेस तो क्या आपका गैस है, और डिस्पर्सिंग फेस आपकी क्या है, सॉलिड। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, फॉर्म बोला जाता है। और फॉर्म के भी एग्जाम्पल्स आपके कौन से हैं, आपके फॉर्म, रबर, स्पंज, और कौन सा, प्यूमाइस। प्यूमाइस एक तरह का क्या होता है बेटा, स्टोन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, फॉर्म के। तो फॉर्म के दो एग्जाम्पल्स हैं, कब, या तो गैस और लिक्विड हो तब मिलके क्या बनता है, फॉर्म बनता है, या तो गैस और सॉलिड हो तब मिलके क्या बनता है, फॉर्म बनता है। क्लियर। तो ये बात आपको बताऊं चाहिए प्यारे बच्चों कि जो आपका सॉल है, सॉल में ध्यान करना डिस्पर्स फेस हमेशा क्या रहेगी, गैस रहेगी, और डिस्पर्सिंग फेस आपका लिक्विड भी हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो इस तरह का जो कोलाइड सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी सॉल नहीं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म। ओके आगे बढ़ते हैं, ये वाला नेक्स्ट वाला बेटा अलग है। देख रहे हैं कि जो डिस्पर्स फेस हमारी क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग फेस हमारी क्या है बेटा, सॉलिड। यानी कि डिस्पर्स फेस आपका कौन सा, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग फेस आपकी क्या है, सॉलिड है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, जेल। क्या बोलते हैं बेटा, जेल। अब जेल में कौन आते हैं आपके, चीज, पनीर, आपका बटर, और आपका कौन सा, जेली। ये आपके क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जेल। क्या बोलते हैं बेटा, जेल। तो जेल आपका, आपको मालूम होना चाहिए किस तरह का कोलाइड्स है, जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें डिस्पर्स फेस तो आपकी क्या हो, लिक्विड हो, और डिस्पर्सिंग फेस आपकी क्या हो, सॉलिड हो। उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेल। ओके इसके बेस्ट एग्जांपल हैं आपका जेली, आपका चीज, और आपका बटर। जेली, चीज और बटर, ये एग्जांपल्स हैं किसके बेटा, ये एग्जांपल्स हैं आपके किसके, जेल के एग्जांपल हैं बेटा, किसके, जेल। ओके लास्ट वाला देखें बेटा, लास्ट में क्या है आपका, सॉलिड हो, यानी कि डिस्पर्स फेस भी सॉलिड हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी आपका क्या हो, सॉलिड हो। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉलिड सॉल। ये क्या बनाएंगे, सॉलिड सॉल बनाएंगे। अब सॉलिड सॉल में आपका कौन सा है, कलर्ड गेमस्टोन और मिल्की ग्लास। यानी कि कलर्ड गेमस्टोन ये जो है आपका, और ये आपका कौन सा, मिल्की ग्लास। ये एग्जाम्पल्स हैं किसका बेटा, सॉलिड सॉल। अब ये सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके, कलर्ड गेमस्टोन और आपका मिल्की। इनके दोनों के जो आपका डिस्पर्स फेस भी क्या रहेगा बेटा, सॉलिड रहेगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। और इस तरह के टाइप, इस टाइप के जो कोलाइड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा, कलर्ड गेमस्टोन, और एक आपका मिल्की गेमस्टोन। ओके बेटा, तो आई होप आपको प्यारे बच्चों ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल थे किसके, कोलाइड्स के। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एरोसॉल किस तरह का सॉल्यूशन कोलाइड्स होता है, आपका कौन सा सॉल किस तरह का कोलाइड्स होता है, फॉर्म आपका किस तरह का कोलाइड्स होता है, इमल्सन किस तरह का कोलाइड्स होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो वन बाई वन मैंने आपको इनके टाइप भी बताए हैं और इनके एग्जांपल्स भी बताए हैं। तो आई होप बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है बेटा तो चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।